विमल पटेल, थर्ड स्टैंडर्ड बच्चों के लिए ड्राइंग लेके आया हूँ। पैटर्न आपको पता ही है, स्टनिंग लाइन, शेपिंग लाइन, झिकझिक लाइन। तो ये पैटर्न से कैसे ड्रॉ करना है वो आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको स्केल, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप की जरूरत पड़ेगी तो वो सभी चीज आपको यूज करनी है। लेकिन आज हम स्क्वायर में पैटर्न बनाएंगे, तो स्क्वायर के लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो आप स्केल से आपको स्क्वायर बनाना है, लेकिन आपका पेज बड़ा है तो बीच में स्क्वायर को लाने के लिए आपको साइज से माप लेना है। देखो मैं माप ले रहा हूँ, यहाँ स्केल से 4 सेंटीमीटर का माप लूंगा। यहाँ से भी ऐसा नहीं कि 4 लेना है, आपके पेज के हिसाब से आपको माप लेना है। और देखो हल्की सी लाइन आपको बना लेनी है। ऐसा जरूरी नहीं कि माप लेना ही है, लेकिन आपका ड्राइंग अच्छे सा हो और सेंटर में रहे और गलती ना हो, इसलिए माप लेना है। देखो साइड से मैं 10 का लेता हूँ। और ध्यान रहे, जब स्क्वायर बनाते हो तो आपको 16 में अभी लूंगा, लेकिन जो भी माप लेते हो उसका हाफ कर सको इतना माप लेना है आपको। और इसलिए क्योंकि आपको स्क्वायर में पैटर्न बनानी है तो बाद में आपको दिक्कत ना हो, दोनों साइड से माप लेना है। जैसे ऊपर जो जैसा लिया है वैसा ही आपको नीचे भी लेना है। ऊपर से जितना माप है वैसा ही माप होना चाहिए नीचे भी। और ज़्यादा डार्क लाइन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वापस उसको मिटाना है, वो तो आपका स्क्वायर जो है सेंटर में लाने का है, इसलिए माप लेना है। ऊपर से 10 छोड़ा तो नीचे भी 10 लेना है। यहाँ से आपको ये 16 बताइए, आपको स्क्वायर में चारों साइड से एक ही माप होता है। 16 बन गया आपका स्क्वायर। बाद में एक बार वापस चेक करना है कि नहीं, 16 ही है, 16 है। अभी जो बाकी का जो नहीं चाहिए वो निकाल लेना है आपका, ऐसे बीच में स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि इसके अंदर दूसरा एक स्क्वायर बनाना है, लेकिन जो आपने माप लिया है 16, तो 16 का हाफ कितना होता है 8, तो इस तरह भी 8 आएगा। चारों ओर से इसे मार्क कर दो 8, और यहाँ भी 8। फिर इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो, फिर इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो। ये दो बार आपने माप लिया। फिर क्या करना है, बीच में से बड़ा जो स्क्वायर बनाया हमने वहां से कोने से यहां से और यहां से एक लाइन खींच देनी है। तो वैसे ये दूसरी साइड भी है, तो कोना पकड़ना है, स्केल बड़ी रखो तो आपको आसानी रहेगा। कर दिया। और तीसरे स्क्वायर के लिए आपको माप लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पॉइंट मिल गया है। देखो आप 1 2 3 4, तो स्केल लेके सीधा ही आप लाइन खींच सकते हो। अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ लेना पड़ेगा। जैसे आपने सेकंड स्क्वायर में देखा कि 20 का पूरा हाफ लिया, जितना भी है उसका, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई वो आधा है इतना माप होगा, कोई भी आ सकता है, तो उसका हाफ कर देना है। तो ऐसा पूरा बनने के बाद पूरा पैटर्न बन जाएगी स्क्वायर में। तो और बात को पता ही है कि भाई पूरा ड्राइंग करने के बाद आपको ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करना है। तो बॉर्डर करना है तो जैसे आपने बनाया है वैसे ही बॉर्डर करना है। देखो मैं कर रहा हूँ स्केल से, तो स्केल से ऐसी लाइन खींचना है। ध्यान रहे, स्केल के अंदर जब स्केच पेन लग जाए तो आपका पेज बिगड़ भी सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब स्केल उठाते हो तो संभाल के उठाना है, पेपर खराब नहीं होना चाहिए। और जब आप लाइन खींचते हो तो स्केल हिलनी नहीं चाहिए, वरना आपका लाइन टूट जाएगी तो बिगड़ सकता है। ऐसा आप चारों ओर से स्केच पेन से बॉर्डर कर सकते हो।
ध्यान रहे पेज गंदा नहीं होना चाहिए। पूरा स्केच प्रिंट करने के बाद आपका ड्राइंग ऐसा दिखेगा। बाद में आपको रबर से इरेजर करना है क्योंकि जो पेंसिल जो निकल जाएगी, और कलर भी कैसे करना है वो भी आप दिखाऊंगा। जो भी कलर करना है वो कलर निकाल लो, मैंने सब कलर निकाल लिए है। देखो जो कलर यहाँ पे करना है, ध्यान रहे बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले बॉर्डर बना लो, एक मनपसंद कलर ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मैंने जो कलर लिया वही आपको ले सको, लेकिन जो भी कलर लेना है वो निकालो। ध्यान रहे भाई स्पेस ना छूटे और फिनिशिंग के साथ काम करना है। ऐसा कलर मैंने कर दिया है, आप दूसरा कलर यहाँ पे जो कलर है वहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए। पूरा स्केच पेन होने के बाद कलर होना ऐसा दिखेगा। देखो जो कलर यहाँ पे सामने सामने कलर है, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना है, पिक्चर अच्छी दिखनी चाहिए, वैसे ही आप कर सकते हो। तरीका कि पूरा पिक्चर ऐसा दिखेगा। घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कलर की प्रैक्टिस करो, ड्राइंग की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो आपको बाद में मिलेगा, उसमें कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।